अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हेल्दी हैप्पी बाइट्स। आज मैं आपके लिए चीज़ी वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली भी न्यू वीडियो सबसे पहले आपको दिखाई दे और आप भी इसको बनाकर इंजॉय कर सकें। चलें वाइट सॉस पास्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चिकन रेडी कर लेते हैं। मैंने ले लिया है 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल, फ्लेम को मैंने हाई रखा हुआ है और इसमें मैं डालूंगी 250 ग्राम 1 कप के करीब बोनलेस चिकन। इसको मैंने लॉन्ग स्ट्रिप में काट लिया था। इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, फ्लेम को हाई रखा हुआ है मैंने। इसमें मैं डालूंगी 1/2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और अब मैं चिकन को इसके वाइट कलर होने तक पकाऊंगी। 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर मैं इसको पका लूँगी और देखें चिकन का कलर वाइट हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट, 2 टेबलस्पून सोया सॉस। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मैं इसको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पका लूँगी। और देखें 5 मिनट के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 टीस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून चिली सॉस। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाऊंगी। 5 मिनट के बाद अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1/2 कप गाजर। गाजर को मैंने जुलियन कट में ले लिया है और 1 स्मॉल साइज की शिमला मिर्च। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मैं 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पका लूँगी। और देखें 2 मिनट के बाद अच्छे तरीके से चिकन हो गया है रेडी। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ और अब पास्ता बॉईल कर लेते हैं। पास्ता बॉईल करने के लिए मैंने ले लिया है 1 लीटर पानी। इसमें मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून ऑयल, 1/2 टीस्पून नमक और ये देखिए मैंने 1 कप पैनी पास्ता ले लिया है, ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। अब मैं इसको कवर कर देती हूँ और इसको मैं मीडियम फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए बॉईल कर लूँगी। देखें 10 से 12 मिनट के बाद पास्ता अच्छे तरीके से बॉईल हो गया है और अब मैं इसको गर्म पानी से बाहर निकाल लेती हूँ और अब वाइट सॉस रेडी कर लेते हैं। वाइट सॉस बनाने के लिए मैं ले लिया है 2 टेबलस्पून बटर, 1/2 टीस्पून। इसको मैंने मेल्ट कर लिया है, फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी 1 टेबलस्पून मैदा और मैं इसकी 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर भुनाई करूंगी। और ये देखें 2 मिनट के बाद अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 कप दूध फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे कि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे। और ये देखें आहिस्ता आहिस्ता थिक होना शुरू हो गया है। इसको बस अच्छे तरीके से मिक्स करते रहना है और ये देखें थिक हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1/4 टीस्पून ओरिगैनो। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं और ये देखें वाइट सॉस बिल्कुल रेडी हो गया है। और अब वाइट सॉस पास्ता की असेंबलिंग कर लेते हैं और ये देखें वाइट सॉस में मैं डाल दूंगी बॉइल्ड पास्ता और जो चिकन प्रिपेयर किया है ये भी डाल देंगे। इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूंगी। फ्लेम को मैंने लो रखा हुआ है और अब इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून मिक्स चीज़, 1 टेबलस्पून चेडर चीज़ और 1 टेबलस्पून मोज़रेला चीज़। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और लास्ट में मैं डालूंगी थोड़ा सा सब्ज प्याज स्प्रिंग अनियन। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। और ये देखें वाइट सॉस पास्ता रेडी है। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। और जी गाइस देखें मैंने इसको कर लिया है डिश आउट और देखें कितना यमी कितना टेस्टी रेडी हो गया है। और ये देखें
और ये देखें कितना क्विक और कितना टेस्टी रेडी हुआ है, और ये देखें कितना डिलीशियस और टेस्टी लग रहा है। चले अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइंदा के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।